आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमसीडी में बैठी बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर बरसे। दुर्गेश पाठक ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर दिल्ली नगर निगम उत्तर एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के वेतन और रिटायर कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान नहीं किए जाने के मुद्दे की पड़ताल करने के लिए वह अपनी संपत्तियों की सूची और बैंकों में जमा राशि के बारे में उन्हें बताएं। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में शासित है। पिछले 15 सालों में दिल्ली की एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और ये फैसला उनके 15 साल के कार्यकाल के ऊपर ये फैसला है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज़ होगा कि कोई पार्टी पिछले 15 साल से एक सरकार चला रही हो, एमसीडी की सरकार चला रही हो और अपने कर्मचारियों को वेतन ना दे सके। मुझे नहीं लगता कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कभी भी हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकती है। कल माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत कड़ा फैसला लेते हुए ये कहा कि कर्मचारियों का हक बनता है वेतन देना। इससे पहले उन्होंने कहा था कि चाहे जैसे पैसा लेके आइए, पैसा लाके दीजिए और कर्मचारियों का वेतन दीजिए। कल की तारीख पर कोर्ट ने यह कहा कि ये वेतन देना कर्मचारियों का मूल अधिकार है, आप इसको छीन नहीं सकते।